हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स एट साइट। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक है कूलिंग टावर इन थर्मल पावर प्लांट। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपके जो सामने ये पानी स्प्रे हो रहा है, ये हो रहा है एक कूलिंग टावर है। जो सामने स्क्रीन पे है ये एक 250 मेगावाट यूनिट का कूलिंग टावर है। अब बात आती है कि कूलिंग टावर का पर्पज़ क्या है थर्मल पावर प्लांट में या और भी इंडस्ट्री में, और कूलिंग टावर यूज़ क्यों होता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ थर्मल पावर प्लांट की, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो भी स्टीम हमने बॉयलर में जनरेट की और उसको वर्क डन करवाया टरबाइन में, तो टरबाइन में एक्सपांड होने के बाद लास्ट स्टेज में जो स्टीम और वाटर का जो मिक्सर मिलता है हमको, उसको हमको वापस कंडेंस करना होता है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है कि एक स्टीम और वाटर मिक्सर को आप वापस से पंप करें बॉयलर में, तो इसलिए इस बॉयलर फीड पंप के थ्रू वापस से बॉयलर में भेजने के लिए उससे पहले हम उसको कंडेंस करते हैं। तो कंडेंस करने के लिए, स्टीम को कंडेंस करने के लिए उसकी जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कंडेंसर, और कंडेंसर में जो दूसरा मीडियम होता है, एक साइड स्टीम होता है और दूसरी साइड होता है कूलिंग वाटर। तो वो जो कूलिंग वाटर होता है, उस कूलिंग वाटर को वापस रीयूज करने के लिए ठंडा करते हैं, और वो ठंडा किया जाता है इन कूलिंग टावर्स में। जैसे आप सामने ये देख सकते हो, ये जो नीचे जो आपको बॉटम में जो लाइन दिख रही है, ये है हॉट कूलिंग वाटर आ रहा है इसमें, ये आ रहा है कंडेंसर से। और उसके बाद जो ऊपर ये पाइपें हैं, ये जा रही हैं इसमें, ऊपर से इसको स्प्रे किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका पर्पज़ कि कूलिंग टावर क्यों यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं दो टाइप के हैं, एक तो मैकेनिकल ड्राफ्ट, जो आप ये सामने देख रहे हो ये मैकेनिकल ड्राफ्ट वाला कूलिंग टावर है। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वाला कूलिंग टावर है, और एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट। तो जो अभी लेटेस्ट यूनिट या आप कभी आप देखते होंगे बड़े प्लांट्स में 660 मेगावाट में, काफ़ी जगह आपको एक बड़ी टॉल स्ट्रक्चर दिखती है हाइपरबोलिक शेप की, तो वो होती है नेचुरल ड्राफ्ट वाली। वो मैं अभी आगे भी इसी वीडियो में आपको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी दिखा दूंगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है एक 250 मेगावाट का कूलिंग टावर, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मैकेनिकल ड्राफ्ट वाला है। इसमें मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या होता है कि फ़ैन यूज़ किया जाता है, जो वाटर होता है उसको ऊपर स्प्रे किया जाता है, और नीचे से उसमें एयर सक करने के लिए फ़ैन यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ड्रिवन। तो इसलिए इसको मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। तो अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ इसमें कि फ़ैन कैसे लगे हुए होते हैं, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वाला ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। उसके अलावा जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, वो भी मैं ऊपर कूलिंग टावर के ऊपर से दिखाता हूँ आपको। तो इसमें कूलिंग टावर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो हॉट वाटर आया, ये जो नीचे आप पाइप देख रहे हो बॉटम में जो ये पाइप लगी हुई है, इसमें हॉट वाटर है, हॉट कूलिंग वाटर। इसको इन जो राइजर ऊपर पाइप जा रहे हैं, इनकी हेल्प से ऊपर जाके इनमें नोजल्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर ट्रे टाइप में है, फिल्स बोलते हैं जिनको टेक्निकली, उनकी हेल्प से इसको स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने से क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है इसका, सरफेस एरिया वाटर का, ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है। तो ये ईजिली हीट, इसकी जो हॉट वाटर कूलिंग वाटर है, इसकी हीट एयर को
इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो ऊपर इसके फैंस लगे हुए हैं जिनको सिटी फैन बोलते हैं, कूलिंग फैन, वो नीचे से बॉटम से एयर सक करते हैं और ऊपर जो वो डिस्चार्ज करते हैं उसमें होता है वेपर और एयर का मिक्सचर होता है। एक्चुअल में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है इवोपरेशन की वजह से होता है। जो एयर, जो ये हॉट वाटर आ रहा है इसका इवोपरेशन होता है। तो जो ऊपर फैन का डिस्चार्ज साइड में होगा वहाँ पे वेपर और एयर का मिक्सचर डिस्चार्ज होता है। और जो इसी वजह से इसके इसमें जो कूलिंग टावर में कंटिन्यूस मेकअप चलता रहता है, जिसको क्योंकि कुछ पार्ट इसका इवोपरेट हो जाता है इस कूलिंग प्रोसेस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जैसे इसका एक्चुअल व्यू ये स्प्रे हो रहा है, ये नीचे से ऐसा दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर चढ़ के। तो आइए, शानदार व्यू आ रहा है, देखो। चलिए चलते हैं। मैं आपको इसमें ऊपर रनिंग सिटी फैंस भी दिखाऊंगा कि सिटी फैन जो चल रहा है सर्विस में है अभी। तो आपने कभी छोटी यूनिट 250 मेगावाट की यूनिट देखी होगी, तो इनमें भी ऊपर वेपर निकलती रहती है। और ये बड़े टाल स्ट्रक्चर जो नेचुरल ड्राफ्ट वाले देखे होंगे कूलिंग टावर, उनमें तो इजीली नोटिस हो जाती है। तो ये 250 मेगावाट का कूलिंग टावर है, इसमें 20 सिटी फैन लगे हुए हैं जैसे आप देख सकते हो सामने। जो ये एक स्ट्रक्चर है इसके बीच में एक फैन लगा हुआ है। इस फैंस की जैसे आप देख सकते हो ये मोटर लगी हुई है, इसकी हेल्प से ये फैन रोटेट करता है। एक्चुअल में इनके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज होती है। अभी ये हॉरिजॉन्टली, मोटर हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है, लेकिन फैन वर्टिकली रोटेट करता है। मैं आपको एक रनिंग सिटी फैन दिखाता हूँ। कूलिंग टावर के आसपास आप आओगे तो आपके ऊपर ड्रॉपलेट्स गिरती रहेंगी, क्योंकि जो इवोपरेट होता है वाटर वो वापस कंडेंसेट होके नीचे गिरता रहता है। ये देखिए, इसमें आपको ये एक रनिंग सिटी फैन है, ये देख सकते हो आप। और ऊपर ये देख सकते हो आप वेपर और एयर का मिक्सचर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा है। ये बॉटम से एयर सक कर रहा है, कैमरा पे वेपर आ गई तो इस वजह से, हाँ अब सही हो गया, कैमरा पे वेपर आ रही है तो थोड़ा सा क्वालिटी नहीं आ रही सही। तो ये नीचे बॉटम से एयर सक करता है और ऊपर से वाटर स्प्रे हो रहा है। तो एयर है जो वाटर की हीट कैरी करती है और इसकी हेल्प से, फैन की हेल्प से ये ऊपर डिस्चार्ज कर रही है एयर और वेपर का मिक्सचर। तो ये जैसे इसमें जब एज पर रिक्वायरमेंट कंडेंसर में वैक्यूम कितना आपका रनिंग में कितना चल रहा है उसके हिसाब से कभी 18 सिटी फैन सर्विस में होते हैं या कभी 20 पूरे के पूरे सर्विस में ले लिए जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको अब नेचुरल ड्राफ्ट वाला कूलिंग टावर दिखाता हूँ जिसमें कोई फ़ैन यूज़ नहीं होता। ये देखिए, एक सामने आज काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है, सनसेट का मज़ा लीजिए। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ हमारी यूनिट्स, दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप, सामने हमारी यूनिट्स हैं, ये चिमनियाँ दिख रही हैं, सभी में क्या धुआं निकल रहा है। एक यूनिट हमारी शटडाउन में है, बाकी सभी रनिंग में है। ये सामने बॉयलर्स हैं और ये कुछ अदर यूनिट्स के कूलिंग टावर हैं। तो अब देखते हैं हम जो नेचुरल ड्राफ्ट वाला है
वो कूलिंग टावर दिखाता हूँ मैं अभी आपको, तब तक आप, हम वहाँ पे पहुँचते हैं, तब तक आप सनसेट का मज़ा लीजिए। अभी आप देख रहे थे मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और अभी आप देखोगे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। एक ही वीडियो में आपको दोनों कूलिंग टावर मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं दोनों टाइप के कूलिंग। ये देखिए, आपने शायद आपने ये वाली स्ट्रक्चर तो ये वाले कूलिंग टावर का नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन जो ये सामने आप दो बड़ी स्ट्रक्चर देख रहे हो हाइपरबोलिक शेप की, ये मैं समझता हूँ आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में। और ये भी देखा होगा कि इसमें जो ऊपर ये धुआं निकलता है, जनरली बोलते हैं सभी जो भी मेरे को भी मिलते हैं कि ये धुआं होता है, लेकिन एक्चुअल में ये धुआं नहीं होता, ये है वेपर, एयर और वेपर का मिक्सर है। धुआं आप उसमें देख सकते हो, वो जो सिंपल एक अलग से स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्टैक है चिमनी, उसमें के जो निकल रहा है वो धुआं है, इसमें के जो निकल रहा है ये वाटर वेपर है। तो ये नेचुरल टाइप के नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हैं, इनमें कोई फैन यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आउटसाइड में जो एयर है उसका, और जो इनसाइड में एयर है उसका, उसके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो क्रिएट होता है। और उस फ्लो को बढ़ाने के लिए इसमें जैसे ये क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करके फिर वापस इनक्रीज किया जाता है, डाइवर्जन कन्वर्जन जो सेक्शन बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लगभग मिड में वाटर स्प्रे किया जाता है हॉट कूलिंग वाटर, और वो नीचे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरता है, और टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो कोल्ड एयर है आउटसाइड में इसके कूलिंग टावर के, वो बॉटम से एंटर करती है और उसका टेम्परेचर वाटर के कॉन्टैक्ट में आते टेम्परेचर राइज होता है, और उसके बाद वो लाइट हो जाती है, उसके बाद वो ऊपर उठते हुए एस्केप करती है इससे। तो इसमें सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना यूज होता है, कोई भी फैन यूज नहीं होता, तो इसलिए इसको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर वेरी ह्यूज है, तो ये डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको नेचुरल कूलिंग टावर रिकमेंड करता है या फोर्स्ड, क्योंकि 660 मेगावाट में दोनों टाइप के यूज होते हैं, बाकी 250 मेगावाट में तो नॉर्मली क्या मैक्सिमम ये टू फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर यूज हैं, और ये मैकेनिकली ड्राफ्ट वाले हैं क्योंकि वो कॉस्ट फिजिबल या नहीं हो पाती है उसमें। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये कोशिश की कि दोनों टाइप के कूलिंग टावर में, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको दोनों टाइप के कूलिंग टावर दिखाए हैं, मैकेनिकल टाइप और नेचुरल, मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप और नेचुरल ड्राफ्ट टाइप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और मिलता हूँ मैं आगे अभी नए वीडियो के साथ। इसके साथ ही आप देखिए क्या शानदार सनसेट का मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।